हरे कृष्णा गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। सो दिस व्लॉग गोइंग टू बी आर लेट नाइट स्टडी विद मी और नाइट स्टडी व्लॉग एडिशन। सो दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। आई एम अनुराग, आई एम सीबीएसई 12th ग्रेडर एंड नीट 2025 एस्पिरेंट। हियर आई अपलोड स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट एंड माई लाइफ स्टाइल रूटीन व्लॉग। सो यू गाइज कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच आर रिलेटेबल कॉन्टेंट। अब इस बात को थोड़ा साइड में रखते हैं, अब आते हैं मुद्दे पर कि इस व्लॉग में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सो लास्ट व्लॉग में मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था भाई कि अगले व्लॉग में क्या डिस्कस करना चाहिए, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी के आंसर मैं नहीं दे पाया था पिछले व्लॉग में। सो इसमें उन सभी के आंसर देने वाला हूं। तो पूरे 3 क्वेश्चन है, बारी बारी में बताता हूं इस व्लॉग में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ आई स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ता हूं। ये मैंने बता रखा है भाई कि मैं कहां से पढ़ता हूं, उसके लिए मेरे पिछले वीडियो चेक करो, लाइक बेस्ट यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने बता रखा है ऑर्गेनिक कहाँ से पढ़ता हूँ। इन दिस वीडियो आई शेयर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ यू डील विद बैकलॉग, हमारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन रखा है, आप कैसे कंप्लीट करते हो या हम कैसे कंप्लीट करें। तो देखो, मेरा बैकलॉग जब बनता है, जब मैं अपना वीक का प्लानर बनाता हूँ या मंथ का बनाता हूँ और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर मुझे वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करके कैसे ना कैसे कंप्लीट करना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि मैं कैसे डील करता हूँ बैकलॉग के साथ। थर्ड क्वेश्चन था कि आप PYQ के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो और आप कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हो। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि वीडियो स्पॉन्सर है, बट टोटली ये वाला व्लॉग है ये पूरा नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैंने किसी भी बुक का इसमें प्रमोशन नहीं करा है, जो बुक मैं यूज कर रहा हूं वही मैं इसमें बताने वाला हूं। सो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को पूरी देख के जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, सो भाई मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा था अराउंड शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में। उस टाइम पे वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था और मैं हुआ था छत पे प्लांट्स में पानी डालने के लिए, देन पानी वगैरह डाल के मैं आ गया था नीचे। नीचे आने के बाद भाई मैंने ब्लू वाले लेस खाए थे थोड़े से, फिर मैं लग गया था अपनी टेबल की सफाई पर, बिकॉज सारा का सारा फैला हुआ था दिन में जो मैंने पढ़ा था। लाइक दिन में मैंने अपने लेक्चर कंप्लीट करता हूँ मोस्टली, तो मैं कि आगे सिलेबस चलता रहे, तो मैंने टैब पर चला लिए थे भाई लॉफी म्यूजिक, नाइट लॉफी म्यूजिक। मोस्टली मैं लॉफी म्यूजिक ही सुनना पसंद करता हूँ, वैसे म्यूजिक मुझे इतने पसंद नहीं है। फिर मैंने लग गया था सफाई करने के बाद अपने टैब पर टू डू लिस्ट बनाने के लिए। टोटल आज के 5 स्लॉट होने वाले थे एंड मोस्टली 5 रिवीजन के ही होने वाले थे, बिकॉज पता है अभी वो टाइम चल रहा है कि जिसमें हम केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करने की नहीं सोच सकते, इस टाइम पे हमें अपना रिवीजन का भी सोचना पड़ेगा। सो मेरा यही रहता है कि दिन में मैं लेक्चर वगैरह देख लूँ, अपना सिलेबस को आगे कर लूँ और उसी को डेली या फिर जो बैक हमारे जो पीछे चैप्टर कंप्लीट हो गए या फिर जो आज करा है उसे हम रिवाइज करके सोए कम से कम, बिकॉज अब एक काम पर अगर लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में सो रिवीजन रह जाएगा। दैट्स व्हाई मैं शाम को रिवीजन करने के लिए बैठ जाता और दिन में मैं अपना सिलेबस आगे कर लेता हूं। सो गाइज, मेरी आज की टू डू लिस्ट है कि मुझे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है वो मुझे केमिस्ट्री मेट इजी से एक बार रिवाइज करना है नोट्स। वैसे तो मैं डिटेल नोट्स बना रहा हूँ बट फिर भी एक बार मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ। फिजिकल एजुकेशन के मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे ऐप से, और साथ में जो फिजिक्स है, फिजिक्स के चैप्टर 6 की मुझे NCERT रीडिंग लेनी थी, और जो मॉलिकुलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसको मुझे ना जो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास बायोलॉजी का PW का, वहाँ से मुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन और मिथ वाले क्वेश्चन मुझे करने थे, और जो इंग्लिश है उसमें जो पोएम है रोड साइड वाली उसकी मुझे NCERT रीडिंग लेनी थी। ऑल्सो गाइज, आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एंड मेरे सेकंड चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो गाइज उसे भी सब्सक्राइब कर देना, उस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। सो गाइज, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हाउ आई स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो देखो, जब मैं 12th में आया सो मैंने टीचर से यही सुना था कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, हमारे सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो 12th का चैप्टर शुरू करने से पहले जो मेरे पास 11th के मेरे नोट्स थे, सो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स पढ़े थे, मैंने कोई लेक्चर नहीं देखा था, लेक्चर मैंने केवल एक देखा था NCERT वाला पर जो अपलोडेड है, वो वाला लेक्चर है वो जो 12th में आने के लिए 11th के टॉपिक आने ही चाहिए, सो वो वाला मैंने लेक्चर देखा था। साथ में फंडामेंटल ग्रुप्स को याद करो, रिएक्शन की आप अलग से भाई बुकलेट बना सकते हो, एंड ऑर्गेनिक में देखो भाई जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही सही रहेगा, और अपनी गलतियों को एनालाइज करो। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब आपका बैकलॉग बन जाता है तो आप उसे कैसे कंप्लीट करते हो ओवरऑल, कि हाउ आई डील विद माय बैकलॉग। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि मैं मंथ के गोल बनाता हूँ, लाइक टू डू लिस्ट तो बनाते हूँ बट एक पूरा मंथ भी मैं प्लान करता हूँ कि मुझे इस महीने के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। सो अभी जो भी मेरा उस मंथ में बैकलॉग बनता है उसे मैं नेक्स्ट मंथ में फिक्स कर देता हूँ। अब जुलाई का ही ले लो, लाइक जुलाई में जो मेरा बैकलॉग बना उसे मैंने अगस्त वाले प्लान में अपना फिक्स कर लिया, बट मैं अगस्त के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ कि अभी मेरा बैकलॉग बन गया है जुलाई का, जो मुझे वो अगस्त में भी करना है तो अगस्त में मैं सिलेबस थोड़ा कम करूँगा, ऐसा नहीं है। जितना
जितना मैंने सोच रखा है वो मुझे अगस्त में करना ही करना है, साथ में मुझे वो बैकलॉग भी कंप्लीट करना है। बट मैं इतना ज़रूर कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ या करता ही नहीं हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अपना लेक्चर्स पे या फिर जो वीडियो लेक्चर जो भी मैं देखता हूँ उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। लाइक कम से कम कंसेप्ट तो क्लियर हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम बाद में भी कर लेंगे, मेरा ये मानना है। दैट्स व्हाई मैं उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप करके अपना लेक्चर कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं फिर थोड़े थोड़े दिनों में मैं अपने जो जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करे थे बैकलॉग वाले उनके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देता हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक यूज़ करते हो एंड कितने ईयर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो। सो गाइज, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि मैं इतने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूँ कि 10 साल के, 15 साल के या 35 ईयर्स के, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी होते हैं मुझसे, जितने कर पाता हूँ मैं उतने ही करता हूँ। एंड बुक मेरे पास है भाई PW की एंड ओसवाल की PYQ के लिए। सो मैं उन दोनों ही बुक का यूज़ करता हूँ, कभी ओसवाल से लगा लेता हूँ सो कभी PW के यूज़ कर लेता हूँ, हैं तो आखिरकार PYQ ही। ऑल्सो गाइज, जो मेरा ऑल इन वन एग्जाम होने वाला था 26 ऑफ अगस्त को, वो पोस्टपोन हो गया है, वो होगा अब 27 ऑफ अगस्त को यानी ट्यूसडे को, बिकॉज उस दिन जन्माष्टमी है, दैट्स व्हाई उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। सो भाई मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे आज के लिए, इतना ही। फिर मैं चला गया था अपने सोने के लिए। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर नए हो सो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच, कीप सपोर्टिंग, अपना ध्यान रखो, राधे राधे।